सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अदर ब्लॉग। मेरा नाम है कबीर खान और आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं कैनॉट प्लेस सीपी, जो कि पालिका बाजार है, वहीं पर ही पास में। वहीं पर ही एक सारक फूड मेला है, जहां पर लाइक इंडिया के जो मोस्टली स्टेट्स यानी कि 17 स्टेट्स के अलग अलग फूड स्टॉल लगे होंगे, जो हर स्टेट का अलग अलग जो स्पेशल आइटम होता है ना, वो लगा है। और यहाँ पर हम लोग मेट्रो आ गए हैं। अब मेट्रो से हम लोग सीधे कैनॉट प्लेस जाने वाले हैं और बने रहिए ब्लॉग में, काफी मजा आने वाला है आगे ब्लॉग में। चलिए चलते हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं इस समय कैनॉट प्लेस में और काफ़ी भूख लग रही है, तो पहले हम सोच रहे हैं कुछ खाने को मिल जाए। पहले हम कुछ खाने को ढूंढते हैं, चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो सारस फूड मेला है वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी कुछ खाएंगे स्पेशल। बट अभी कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है, मतलब लाइक अभी वो थोड़ा दूर है, वेट नहीं हो रहा है। और बाकी थोड़ा ये मार्केट भी नहीं घूमा है, मार्केट घूमते हैं, देखते हैं। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं सारस फूड फेस्टिवल में और आज इसका पहला दिन है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं अंदर जाने में। और यहाँ पर एंट्री करते ही बहुत ही अच्छा है, इन्होंने जो वेलकम में आपको दिखेगा कि सारस में हम, हैशटैग सारस में हम, इसका एक स्टेज लगाया है फोटो सेशन के लिए। बहुत ही बढ़िया मतलब स्टेज सजा हुआ है एक तरीके से। आप इस मेले में आए तो यहाँ फ़ोटो ज़रूर क्लिक करें। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे। ये हरियाणा का स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पर ये केरला में आपको डोसा और लाइक बहुत यूनिक इडली ऐसे, मतलब बहुत केरला आइटम जो होते हैं ना, आपको पता ही है वो, तो साउथ आइटम। और यहाँ पर ये उत्तराखंड का स्टॉल है, यूपी का भी है। यूपी में आपको क्या मिलेगा, कढ़ी चावल और ये सब। पंजाब और असम, केरला का फिर से आ गया। केरला के मतलब भीड़ मोस्टली केरला पे ही मिल रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा वही दिख रहा है। और आंध्र प्रदेश और आगे चलते हैं। अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं लगभग। और यहाँ पर ये कौन सा है, नाम कहाँ है इसका, ये रहा, इसका नाम ही नहीं लिखा कहीं। यहाँ पर ये कैश पॉइंट है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, मतलब लाइक टोकन आपको यहाँ से ख़रीदना पड़ेगा। ये यहाँ पर एंट्री ख़त्म हो गई। चलिए वापस आते हैं एक बार। यहाँ पर एक स्टेज शो भी हो रहा है, हम उसको भी अभी कवर करेंगे। कैसा होता है कैसा नहीं। फिलहाल मेला को देख के बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब एक लाइक थोड़ी नए तरीके का मेला है ये, फूड मेला एक। ये दिवाली की वजह से लगा हुआ है इस समय, दिवाली और छठ पूजा की वजह से। और अभी लगभग ये 10 नवंबर तक चलने वाला है। 10 नवंबर के मतलब आज ये है 28 से लेके 10 नवंबर तक चलेगा ये। अभी लगभग कितने 12 दिन हो गए ना, 12 दिन तक रहेगा। और इसमें ये है केरला में डोसा के रेट्स। तो गाइस, मेरा तो डोसा खाने का बहुत मन है और मैं अभी डोसा ही खाऊंगा, बट पहले एक बार इसको कवर कर लूँ, पूरे सारे चीज़ों को कवर करके आपको दिखा दूँ, देन डोसा खाएंगे हम लोग जाते समय, यहाँ से निकलते समय। ये सारे स्टॉल्स लगे हुए थे और यहाँ से
सो यहाँ पर जो ये ऑर्केस्ट्रा पूरा लगा हुआ है, स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पर सिंगिंग हो रही है। और सो अब हम शो देखने आए हैं इसका। बाकी अभी देखते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है शो, तो देखने में कितनी देर हम रुक पाते हैं। इंटरेस्टिंग तो काफ़ी है, सो बने रहिए ब्लॉग में। थोड़ी सी देर का ब्लॉग और बाकी है, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपका, डोंट वरी। सो बने रहिए ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब तक बुलंद आवाज के मालिक हैं अनिल भट्ट, गीत सुनाएंगे और उसके बाद का कार्यक्रम हम आपको बताएंगे क्या होगा। चलिए सुनते हैं सुंदर से गीत को अनिल भट्ट जी के लिए। जो लोग जाग रहे हैं भैया ताली बजा दो, जो सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, उनको कोई डिस्टर्ब ना कीजिए। हाँ, घर में परेशान रहते हैं, यहाँ के सो गए। चलिए अनिल जी, आपसे मुखातिब हैं। हमको यहाँ ये शो देखते हुए, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में। और हाँ सॉरी, ये जो मेला लगा हुआ है, आपको एक पूरा प्रॉपर जो कनॉट प्लेस का जो पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस थाना है, उसके ठीक सामने है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।